दोस्तों नमस्कार, रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने के लिए जा रही हूँ चूरा के लड्डू। उसके लिए मैं ये चूरा ली हूँ, ये सूजी ली हूँ, घी है, खोवा है, थोड़ा सा दूध है, ये चीनी है। उसके बाद यहाँ ली हूँ नारियल के बुरादा, मूंगफली के दाना, ये किशमिश है, बादाम है, काजू है, ये पिस्ता है। ये चूरा को मैं धो के लाती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। इसको चूरे को मैं धो दी और धो के पानी निचोड़ के मैं लाई हूँ, और उसके बाद मैं इसमें मिक्स करूंगी। इसी में मैं ये सूजी डाल देती हूँ और थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। चूरा बताई थी, लेकिन इसको यहाँ के आदमी और कहीं कहीं चूरवे भी कहता है। आप लोग क्या कहते हो आप समझ जाना। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ ये ढक के। अब मेरा ये 10 मिनट हो गई है। अब इसको मैं छोटी छोटी लोई काटूंगी। अब इसको मैं ऐसे गोल गोल बना के ये चिपटा कर दूंगी। अब ये मेरा बन गया सारा। अब मैं इसको घी में तलूंगी। ऐसे मैं घी में तल रही हूँ, आप लोग रिफाइंड में भी तल सकते हो। अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। अब मैं इसमें धीमी आंच में तलूंगी। अब मैं इसको एक एक करके पलटती हूँ। जब तक ये गोल्डन नहीं होगी तब तक मैं इसको पकाते रहूंगी। अब ये मेरा गोल्डन कलर की हो गई है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं ये दूसरी बार निकाल ली। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक ये दिखाती हूँ, ये जो काजू किशमिश और बादाम है और मूंगफली के दाना, इसको भी मैं धीमी आंच में तल लूंगी। इसको मैं दरदरा कूटूंगी और ये नारियल के बुरादा को मैं छनी नहीं हूं, मैं ऐसी रख दी हूं, बाद में मिलाऊंगी। अब इसको मैं पीसने के लिए मिक्सी में जा रही हूं। अब मैं चाशनी बनाती हूं। ये मैं पीस के ले आई हूं, फिर लड्डू बनाऊंगी दिखाऊंगी। चाशनी के लिए मैं इसमें एक गिलास दूध डाल दी हूं।
वो चीनी है, ये चीनी भी डाल देती हूँ। अब मेरा ये चीनी पक गई है, मैं इसको चाशनी नहीं बना रही हूँ, हल्का सा जो चिपचिपी आती है ना रसगुल्ले की जो चाशनी होती है ऐसे, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। अब इसमें मैं सारे जितने है वो सब मैं इसी में डाल देती हूँ, काजू किशमिश, ये बुरादा जो नारियल की थी, ये खोवा, और ये जो मैं पीस के लाई हूँ ये भी मैं सारे इसी में डाल देती हूँ। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। अब मैं इसको 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब ये ठंडी हो गई है, अब मैं लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। ये छोटी छोटी लड्डू, अब मैं ये पिस्ता लगा देती हूँ थोड़ी सा। ये चूरवे की लड्डू आपकी पसंद पड़े तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना।